अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई, एल्विश भाई। दोस्तों सोशल मीडिया पर समय समय पर अलग अलग तरीके के मीम वायरल होते रहते हैं। जैसे इस समय एल्विश यादव के फैन का एक वीडियो खूब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस वीडियो के अंदर वो बताता नजर आ रहा है कि एल्विश यादव के सामने कोई बोल सकता है क्या, इस तरह का कुछ मीम वीडियो है। उसकी बोली और उसकी भाषा इस तरह की है जिससे लोग देखते ही बहुत ज़्यादा हंसने लग जाते हैं। कैसे सोशल मीडिया पर लोग उस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ, और क्या एल्विश यादव ने भी उस वीडियो पर रिएक्ट किया है उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि यह वीडियो जब वायरल हुआ तो अब एल्विश यादव के पास भी पहुंच गया है। एल्विश यादव कहते हैं कि मेरे व्लॉग से ज्यादा या फिर मेरे वीडियो से ज्यादा उसका मीम वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने मजाक के अंदाज से कहा इसको हमें इग्नोर कर देना चाहिए। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर रिएक्ट करते हुए यह कहा है। उससे पहले आप एक बार फिर से उस बंदे का भी वीडियो देख लीजिए या फिर एल्विश यादव के कट्टर फैन का वीडियो देख लीजिए। उसको देखने के बाद एल्विश यादव उसके ऊपर क्या रिएक्ट करते हैं वो देखिए, उसके बाद में हम आगे बात करते हैं। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई, एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई। अब दोस्तों ना केवल इंस्टाग्राम स्टोरी के अंदर ही एल्विश यादव ने रिएक्ट किया है, बल्कि दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि उन्होंने अपने व्लॉग चैनल पर आज के दिन जो नया व्लॉग डाला है ना, उसी व्लॉग के अंदर उन्होंने रिएक्ट किया है। तो उसके बाद ही वो मीम है वो और ज़्यादा फैलने लग गया। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कुछ पहले कमेंट कि लोग क्या कह रहे हैं उस लड़के के बारे में, उसके बाद में उस व्लॉग का वो क्लिप दिखाने वाला हूं जिसके अंदर एल्विश यादव उस फैन के बारे में बोल रहे हैं। दोस्तों एक बंदा लिखता है कि इग्नोर योर लाइफ प्रॉब्लम जस्ट हाउ दैट गाय स्टैंडिंग बिहाइंड हिम इग्नोर्ड एवरीवन। यानी कि बहुत सारे लोग इसके आसपास खड़े थे, वो इनको इग्नोर करके एल्विश यादव के बारे में चिल्लाता रहता है। उसी तरह से हमें लाइफ की प्रॉब्लम को इग्नोर कर देना चाहिए। एक लिखता है कि बेरोजगार लोग दूसरों के सक्सेस से जलने वाले, जय श्री राम, ऑलवेज सपोर्ट एल्विश। एक बंदा लिखता है कि माय रिस्पेक्ट फॉर एल्विश यादव आफ्टर वॉचिंग टुडे व्लॉग। अब टुडे व्लॉग के अंदर उन्होंने क्या कहा है वो देख लीजिए, उसके बाद में हम आगे कमेंट पढ़ते हैं। वो वाला भाई हमारा एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? वो बंदा मिलवा भाई एक बार, भाई वो बंदा चाहिए अपने को यार, वो बंदा मेरे से ज्यादा फेमस हो रहा है भाई। एल्विश भाई देखो भाई, सबका अलग अलग तरीका होता है बोलने का यार, भाई का फनी है थोड़ा सा, हमें बड़ा पसंद आया। तो जो ये बोले जा रहे ना उसको गाली बके जा रहे, तो गाली मत बको भाई उसको। अरे भाई इनोसेंट है, उसके चेहरे से नहीं दिखता आपको भाई, वो उसका स्लैंग है यार, ये हमारा स्लैंग है, वो उसका स्लैंग है, वो ऐसे बोलता हुआ। तो उसको प्लीज माँ बहन की गाली जो बकरे ना, वैसे मजाक वजाक तो यार सब एक दूसरे को उड़ाते हैं, पर जो गाली बकरा उसको गाली मत पको भाई, बुरा लगता मुझे भी भाई। आगे कोई बोल सकता है कोई हमको हेट मार रहा भाई, मार लो भाई, हमारी मोटी चपड़ी मारो, हमारे मुंह पे मारो ऐसे हेट पैक, और पर हमें तुम दिख गए ना तो वो पीछे भी दे देंगे। ये तो दिखना नहीं है, छुप के मार लो हेट, ये वाली बात। चिप्स मांगा सिस्टम अपडेट मांग रहा सिस्टम है, मुझे बड़ा मजा आता है जब तुम ऐसे मीम बनाते हो। बस पर किसी को हेट मत दो यार, माँ बहन की गाली मत रखो, क्योंकि उनका रोल नहीं यार कुछ ना, इतने मैच्योर तो हो गया मैं बोलने के लिए। और अपनी वाली जनता थोड़ा एक्टिव है भाई। हाँ यार अपनी वाली जनता एक्टिव है भाई, ऑलरेडी बड़ा प्यार करती है। थोड़ा यहाँ जाए ना एक बार जो एक, नहीं यार गाली करो किसी के साथ भी मत करो भाई, अच्छा लगता है यार। कोई तुम्हें आके मान लो तुम्हें कोई मां बहन की गाली पकड़ के, बुरा लगता है भाई जेन्युइन। मां बहन का क्या रोल है, हमें दे लो ना, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दो, जितना दे सकते हो उतना दो भाई, मजाक मुझे उड़ा लो प्यार मोहब्बत से। पर उस भाई को भी कुछ मत बोलो यार, वो प्यार करता भाई, वो यार ऐसे थोड़ी है। उससे मिल गया भाई, कहां गया वैसे आपको पता भाई, मेरे को कोई आईडिया नहीं, मेरे को खुद पता लगा, मेरा मजा होगा, मैं देखता हूं खुद भाई, उसको कॉलर ट्यून लगाऊंगा। एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है? एल्विश भाई मदर डेयरी के आगे कोई रोक सकता है क्या? मदर डेयरी मां भाई बोला मिल देगा, एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है? भाई तुमने वो सुना है, एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है? सुना भाई तुमने? चलो इस व्लॉग के अंदर एल्विश यादव ने क्या कहा था वो तो आपने सुन लिया, और उन्होंने दोस्तों सीधा सीधा यही कहा है कि उस बंदे को गाली मत दो, हम क्रिटिसाइज करें उसको तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि रोस्ट इंडस्ट्री इस क्रिटिसिज्म की वजह से ही चलती है। रोस्ट करें मीम बनाएं उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन दोस्तों एल्विश यादव सीधा सीधा ये कहते हैं कि उनको गाली नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी मैटर में इन्वॉल्व नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एल्विश यादव का फैन है, और एल्विश यादव और उनके दोस्त मिलना भी चाहते हैं उससे। तो दोस्तों आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप चाहते हैं कि एल्विश यादव उस फैन से मिले और उसके साथ व्लॉग वीडियो शूट करें? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अकॉर्डिंग टू स्टार्स की दुनिया इस लड़के का नाम है, या फिर जो इस मीम के अंदर वायरल हो रहा है उस लड़के का नाम आमिर बताया जा रहा है, और ये मुंबई साइड का रहने वाला है। इसका बोलने का अंदाज भी इतना तकड़ा है जो मीम के रूप में उभर कर हमारे सामने आता है।
तो दोस्तों आप इस लड़के के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। एक दो कमेंट में आपको और बता देता हूँ कि क्या लोग अलविश यादव से हेट कर रहे हैं उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। एक बंदा लिखता है कि वॉच मोर देन 10 टाइम एवरी टाइम आई लाफ्ड मोर। ये वीडियो इतना ज्यादा फनी है तो हंसी तो लोगों को आएगी ही। एक बंदा लिखता है कि अलविश फैन आर द लिटरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ड्रॉप डाउन कमेंट। अब दोस्तों ये इस बंदे के बारे में लिखते हैं, कुछ इंस्टाग्राम पर वीडियोस वायरल हो रहे हैं उसके अंदर ये भी लिखते हैं कि ये चिप्स मांग रहा है जैसा अलविश यादव ने बताया। और तो दोस्तों आपका क्या ख्याल है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे इंटरेस्टिंग नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय श्री राम जय हिंद। मात्र 30 सेकंड का समय दीजिए दोस्तों, मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज के बारे में बताता हूँ जो आपको आगे चल के बहुत ज्यादा पैसे कमा के दे सकते हैं, यानी कि लाखों के अंदर आपकी कमाई हो सकती है यदि मैं जो चीज बता रहा हूँ उसको यदि आप सही से फॉलो करते हैं। तो आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा हूँ, जहां पर आपको 151 से अधिक कोर्स का बंडल मिलेगा जिसे परचेज कर सकते हैं आप मात्र 499 के अंदर। 12 लाख रुपए इसकी ओरिजिनल प्राइस है, लेकिन 499 के अंदर आपको मिल रहा है लगभग सारा ही, आपको 100% डिस्काउंट मिल रहा है इसके अंदर। तो आपको ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, ड्रॉप सर्विसिंग, एडसेंस, यूट्यूब, इन सब के बारे में आपको जानकारी दी गई है। साथ ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ, इन सब चीजों के बारे में आपको जानकारी दी गई है। पब्लिक स्पीकिंग का भी इसके अंदर कोर्स है, 151 से अधिक कोर्स है। अभी के अभी जाइए डिस्क्रिप्शन के अंदर और लूट लीजिए। इसे एक्सेस करने से संबंधित आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं।